हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स यस बच्चों एज वी हैव स्टार्टेड अवर जर्नी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन व्हाट आर द फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स सेट बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये हमने फर्स्ट पार्ट में सिस्टमेटिकली देखा फिर हमने डिस्कस करना शुरू किया अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइंड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एट यूरेगा जिसमें हमने पहला पहला एग्रीमेंट देखा ट्रिप एग्रीमेंट यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हमने सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया फिर हमने देखा इसी डब्ल्यू का सेकेंडरी वेरी एग्रीमेंट दैट इज ट्रिम एग्रीमेंट दैट इज ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेशर्स किस तरह से हमारे हर एक मेम्बर कंट्रीज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला इन्वेस्टमेंट में प्रोटेक्शन मिला वो हमने सीखा थर्ड पार्ट में आज हम देखेंगे अ वेरी हिस्टोरिक एग्रीमेंट ऑफ डब्ल्यू टी ओ विच इज़ साइंड ड्यूरिंग दिस एग्रीमेंट इथ दैट इज इन द यूरेगाउंडट इज गट्स एग्रीमेंट वो आज हम देखेंगे क्योंकि हमने देखा कि ये जो डब्ल्यू टी ओ पावर में आया फ्रॉम फर्स्ट जनवरी 1995 में जो रिप्लेस हुआ गट्स का यानी जो गट था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड उसको रिप्लेस करके हमने क्या बनाया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसमें इतना लॉन्ग नेगोशिएशन हुआ 1986 के बस से कंटिन्यूस 1994 तक इतने लंबे निगोसिएशन के बाद डिस्कशन के बाद जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू टू तो पावर और हमने कहा उस राउंड में ट्वेंटी नाइन एग्रीमेंट्स से हमने डिस्कस किया टू एग्रीमेंट दैट इज ट्रिप और ट्रिम आज हम एग्रीमेंट थर्ड एग्रीमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज जो बहुत ही इजी हम डिस्कस करेंगे एज यू नो दैट सिंपलिसिटी इज अवर मेन मोटिव ना इस गट्स एग्रीमेंट को जब हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुई क्योंकि गट को रिप्लेस करके हमने डब्ल्यू जब बनाया इसमें सबसे बड़ा हमने जो चेंजेस लाया वो ये था कि गट वाज डीलिंग विथ ऑल द गुड्स, लेकिन डब्ल्यू जब से पावर में आया तो नॉट ओनली गुड्स बट सर्विस वर के मैं नेगोशिएशन यानी नेगोशिएशन के अंदर हमने सर्विसेज को भी इंक्लूड किया इट वाज अ वेरी बिग चेंजेस टेकन अंडर द नेगोशिएशन ऑफ डब्ल्यू तो चलो डिस्कस करते हैं बहुत ही ईजी अंदाज में बहुत ईजी और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट जो टीवा लेवल पे डिमांडेड होता है दैट इज गट्स जब हम कहते हैं गट्स तो गट्स मीन्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं बच्चों हम गट्स लेकिन हम अगर फुल फॉर्म देखें तो वो क्या है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज यानी ट्रेड करेंगे वो भी इन सर्विसेज से रिलेटेड तो ये जब हमने एग्रीमेंट साइन किया ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था इट वॉज लैंड मार्क जो था इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि इसके बाद जब हमने सर्विसेज़ को इन्वॉल्व किया तो इतनी ट्रेडिंग कैपेसिटीज़ बढ़ गई इतना ट्रांसफ़र ऑफ स्पेशली कैपिटल का इनफ्लो एंड आउटफ्लो बहुत फ्री हो गया बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस किया गया तो कैपिटल इनफ्लो में हमें सा, बहुत सारा सपोर्ट मिला नॉट ओनली इन दैट लेकिन टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी उसका भी दूसरे देशों में फ्लो जो था वो बढ़ गया नॉट ओनली दैट बट द मूमेंट ऑफ द लेबर्स कौन से लेबर्स बच्चों स्किल्ड एंड एफिशिएंट लेबर्स वो भी बहुत इजी होने लगा तो काफ़ी इस गट्स को एक सपोर्ट मिला यानी एक काफ़ी वर्ल्ड ट्रेड को ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को सपोर्ट मिला बिकॉज ऑफ़ गट्स एग्रीमेंट जब हम गट्स एग्रीमेंट की बात करते हैं तो गट्स एग्रीमेंट में जनरली हम कहते हैं फोर मोड्स ऑफ सर्विसेस गट्स एग्रीमेंट जनरली हम बात करते हैं फोर मोड्स ऑफ सर्विसेज हैं पहले समझ लो क्या होता है फोर मोड्स ऑफ सर्विसेज अब जनरली हम कहते हैं सर्विसेज मतलब बहुत सारी सर्विसेज जैसे बैंकिंग की सर्विसेज हो गई ट्रां ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हो गई कम्युनिकेशन की सर्विसेज हो गई हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज हो गई ओके okay? ये सब सर्विसेज हैं ये सब सर्विसेज को काफ़ी फ्रीडम मिला अंडर गट्स एग्रीमेंट लेकिन जब इस एग्रीमेंट को निगोशिएट करके साइन किया गया तो उस समय मेन जो था सर्विसेज जिनको सप्लाई करने के लिए ये एक एग्रीमेंट को साइन किया गया तो देर वर फोर मोड्स ऑफ सर्विसेज फर्स्ट वन था क्रॉस बॉर्डर ट्रेड क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जब हम कहते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रेड यानी इसमें क्या है आपको सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करना है बाय द वन कंट्रीज टू द अदर कंट्रीज और वो सर्विसेज में क्या होगा मोस्टली कैपिटल का फ्लो इजिली इट विल बी ईजिली प्रोवाइडेड बाय वन कंट्री टू अनदर यानी जैसे हम कैपिटल प्रोवाइड करते हैं बाय इजीली बैंकिंग की सर्विसेज ऑनलाइन हमने बैंकिंग का ट्रांसफ़र हमने कर दिया आजकल तो ये काफ़ी जो है वो वेरी पॉपुलर है यानी इजीली हमारे फंड्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं या कम्युनिकेशन है हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इंटरनेट के थ्रू हम हर एक देश से कनेक्टेड हैं तो वो भी हमारी कम्युनिकेशन जो रोल है वो भी काफ़ी एक्सपांड ही होता जा रहा है ओके okay? तो ये जो बैंकिंग की सर्विसेज है या कम्युनिकेशन की सर्विसेज है कैपिटल का फ्लो है जिसमें कमर्शियल बैंक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल तो ये एक क्रॉस बॉर्डर ट्रेड सर्विसेज पे काफ़ी बूस्टअप मिला थ्रू द गट्स एग्रीमेंट नंबर टू जो है वो कंजम्पन एब्रॉड सेकेंड टाइप की जो सर्विसेज उन्होंने प्लान की दैट इज कंजम्शन एब्रॉड अब कंजम्पन एब्रॉड में ट्रैवल और टूरिज्म को काफ़ी इन्होंने सपोर्ट किया यानी हर कोई जो है वो ईजिली दुनिया के किसी भी कंट्री में फ्रीली घूम सकता है रह सकता है इंजॉय कर सकता है तो ट्रैवल और टूरिज़म को काफ़ी सपोर्ट मिला बिकॉज ऑफ दिस गट्स एग्रीमेंट में इनको उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया नॉट ओनली दैट लेकिन उसके साथ साथ हेल्थ सेक्टर को भी यहाँ पे एक सपोर्ट मिला क्यों क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में जो हेल्थ सेक्टर्स हैं, यानी अगर हम लोग कहें कि मेडिकल सर्विसेज़ जो हैं वो कॉस्टली है लेकिन कुछ कंट्रीज़ में बहुत चीपर अवेलेबल है जैसे हम बात करें इंडिया में बहुत चीपर अवेलेबल है तो बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया में आते हैं तो इसके लिए हमारे इंडिया एक बहुत बड़ा हेल्थ सेक्टर में जो है वो फॉरेन करेंसी ऑन कर रहा है तो यहाँ पे भी हमारे इंडिया को इन सर्विसेज में काफ़ी स्कोप है तो ये भी एक अच्छा वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट है ड्यू टू गट्स एग्रीमेंट तो ट्रैवल हो टूरिज्म हो या हेल्थ सेक्टर्स हो इनको काफ़ी इंपॉर्टेंस मिला या हम कभी कभी इस हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें इसमें भी होता है सम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने के लिए अब्रॉड में जाते हैं समटाइम जो फॉरेनर्स हैं फॉर टेकिंग द एजुकेशन दे आर कमिंग टू इंडिया तो इस तरह का कंजम्शन एब्रॉड ये सर्विसेज भी ब्रॉड अंडर निगोसिएशन गट्स एग्रीमेंट में लाया गया थर्ड है कमर्शियल प्रजेंस अब यहाँ पर कुछ सर्विसेज को जो लोग कमर्शली यूज़ करना चाहते हैं यानी सम मेम्बर्स दे वॉन्टेड टू हैव ओनरशिप इन द फॉर कंट्रीज़ वो फॉरन कंट्रीज़ में ओनरशिप बेसिस पे कोई बिजनेस करना चाहते हैं या लीज पे रेंट पे कोई भी प्रॉपर्टी लेके अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं तो ऐसे भी हो सकता है जैसे मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं दे विल ट्राई टू स्टार्ट द ब्रांचेस ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द डिफरेंट कंट्रीज़ तो ये भी एक कमर्शल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें वो सर्विसज़ चाहिए जैसे बहुत से होटल मैनेजमेंट्स रहते हैं इफ़ दे आर वेरी गुड वेरी पॉपुलर ब्रांड सो दे वांटेड टू हैव देयर चेन ऑफ देयर होटल्स इन द डिफरेंट कंट्रीज़ तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं तो ये भी एक रहता है मी दैट मीन्स प्रॉफिट मेकिंग अच्छा फोर्थ होता है इसमें जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन अब जब नेचुरल पर्सनस की बात आ रही है हम नेचुरल पर्सनस की बात कर रहे हैं तो जैसे अकाउंटेंट्स हैं डॉक्टर्स हैं टीचर्स हैं लॉयर्स हैं प्रोफेशनल पर्सनस हैं तो दे कैन यूज़ देयर कैलिबर देयर पावर देयर टैलेंट ऑन देयर ओन विश इन दब्रॉड कंट्री वो बहुत सारे लोग रहते हैं जो इंटरेस्टेड रहते हैं अभी डॉक्टर्स हैं वेरी न्यूरो सर्जन्स हैं हार्ट सर्जन्स हैं तो ऐसे सर्जन्स जो हैं बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ उन्हें इनवाइट करती हैं वो वहाँ भी इजीली जाते हैं दे कैन डू प्रैक्टिस ओवर देर तो ये सब चीज़ें जो रहती हैं ये जो सर्विसेज हैं वो सब गड्स के अंदर लाए गए तो जनरली फोर मोड्स ऑफ सर्विसेज जो है वो काउंट होते हैं जैसे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हमने कहा कंजम्पशन एब्रॉड कहा कमर्शियल प्रेजेंस कहा या प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन तो ये सब गट्स के अंदर आते अब हमको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको लिखना है ओनली लिमिटेड कंटेंट ज़्यादा नहीं तो पहले पहले शुरू में हम लिखेंगे गट्स एग्रीमेंट का एक इंट्रोडक्शन अब इंट्रोडक्शन में हम क्या बताते हैं द क्रिएशन ऑफ गट्स इट वॉज द वन ऑफ द लैंड मार्क अचीवमेंट ऑफ द यूरेगा राउंड इन जनवरी नाइनटीन नाइनटी नाइन्टी फाइव में जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पावर में आया एफेक्टिवली काम करना शुरू किया तो उस समय हमने कहा यूरेगा राउंड में ट्वेंटी नाइन एग्रीमेंट साइन किया गया जिसमें गट्स एग्रीमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्योंकि इसने सर्विसेज को काफ़ी बूस्टअप कर दिया और आपको मालूम है हर कंट्री का जो सर्विस सेक्टर रहता है वो उसकी ग्रोथ इंजन होती है और अगर सर्विस सेक्टर काफ़ी अच्छा एक्सपांड हो गया यानी वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी का स्कोप अगर आ गया वहाँ पे आपको काफ़ी फंड्स की जो शॉर्टेज थी उनको सेटिस्फाई किया गया तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपकी इफ़िशंसी बढ़ेगी आपकी फॉरेन करेंसी बढ़ेगी यानी ओवरऑल आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा इसके लिए हम कहते हैं कि ये सर्विस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए ये जो एग्रीमेंट है गट्स एग्रीमेंट इसने काफ़ी सपोर्ट किया तो इस एग्रीमेंट जो 1995 में इसको हमने पास किया इस एग्रीमेंट को साइन किया इसने काफ़ी मेंबर कंट्रीज़ को सपोर्ट किया फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रेड इन सर्विसेज वाज ब्रॉट फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रेड एंड सर्विसेज वॉज ब्रॉड अंडर निगोसिएशन उसको निगोशिएशन के अंदर हम लेके आए जैसे बैंकिंग हो इंश्योरेंस हो ट्रांसपोर्ट हो हेल्थ सेक्टर हो ट्रैवल एंड टूरिज्म हो एजुकेशन सेक्टर हो इन सब सेक्टर्स के लिए गट्स एग्रीमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अच्छा जब हम गट्स एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो टू मेजर रिक्वायरमेंट्स थी गट्स एग्रीमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो टू मेजर रिक्वायरमेंट थी नंबर वन जो हम फर्स्ट फर्स्ट पार्ट से ही करते आ रहे हैं क्योंकि ये डब्ल्यू का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल था दैट इज़ नॉन डिस्क्रिमिनेशन फ्रेड किसी के साथ कोई फेवरिज्म नहीं होगा सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा यानी मोस्ट फेवरेट नेशन यानी एमएफएन यानी हर एक के साथ सेम ट्रीटमेंट चाहे वो सर्विसेज आप डोमेस्टिक लेवल पे प्रोवाइड कर रहे हो या ब्रॉड में प्रोवाइड कर रहे हो सेम ट्रीटमेंट शुड बी गिवन तो फर्स्ट वन था मोस्ट फेवरेट नेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट उनका जो ऑब्लिगेशन था रिक्वायरमेंट था सेकंड ये था ट्रांसपेरेंसी यानी ईच एंड एवरी मेंबर नेशन जो कंट्रीज हैं हैव टू बाइंड विथ देयर एग्रीमेंट उन्हें हर चीज़ क्लियरली डिस्क्लोज करनी है यानी हर चीज़ हर प्रोविजन हर मेजर्स जो हैं वो हर कंट्रीज़ के साथ क्लियरली डिस्कस करना इसको हम क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन ये प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन है अब जब इसमें स्पेशली जब हम बात करते हैं तो जब ये गट्स एग्रीमेंट साइन किया गया तो अंडर गट्स क्योंकि हम कहते हैं डब्ल्यू का वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडर मेम्बर हमारा इंडिया भी रहा था तो जो इंडिया था उन्होंने भी कमिटमेंट किया इस गट्स एग्रीमेंट के अंदर एंड इंडिया हैज मेड द कमिटमेंट फॉर 33 थ्री एक्टिविटीज वेयर फॉरेनर्स वर अलाउड टू एंटर इन द ट्रेड जहाँ पे फॉरेनर्स को इजीली इंटर करने के लिए उन्होंने रेडी हो गए देवर एग्री तो 33 थ्री कमिट्समेंट्स तो हमारे इंडिया ने भी किया कि वी विल प्रोवाइड ऑल दीज 33 थ्री सर्विसेज हम भी इसमें इन्वॉल्व होंगे हम भी बिजनेस करेंगे दीज एक्टिविटीज़ जो मोस्टली इन्वॉल्व थी सर्विसेज इन्वॉल्व थी वो किस पे थी कैपिटल इनफ्लो हम कैपिटल को इनफ्लो करेंगे यानी हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे फिर उनको किस तरह से सर्विसेज में हम यूटिलाइज़ करेंगे वो भी उन्होंने प्रोविजन उन्होंने बताया प्लस न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो एक्टिविटीज़ थी और प्लस मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे हमारी इकोनॉमी में लाया जाए उसके लिए उन्होंने कमेंट्समेंट्स किया ओके तो इस तरह से इस गट की एग्रीमेंट में हमने ट्रांसपेरेंसी रखा सिमिलरली हर कंट्री को ये ट्रांसपेरेंसी करना ही है यानी दे हैव टू बाइंड विद द अदर कंट्रीज उन्हें ये हर चीज़ जो है उनका ध्यान रखना है कि हर चीज़ जो भी वो एग्रीमेंट में उन्होंने प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर एग्री किया है दे हैव टू फॉलो दोज रूल्स लेकिन हाँ जब हम ये सर्विसेज की बात करते हैं तो इसमें फिर से हम कहेंगे क्वालिटी की जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कैपिटल की बात करते हैं तो डेवलप कंट्रीज़ को तो उनका बहुत बेनिफिट उनके पास कैपिटल अबंडेंट है उनके पास हमेशा मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है तो देयर क्वालिटी इज़ देयर बेस्ट क्वालिटी उनके पास तो बेस्ट क्वालिटी है लेकिन हाँ गट्स की एग्रीमेंट के बाद उनकी वो क्वालिटी का बेनिफिट दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज और लेस डेवलप कंट्रीज़ को भी मिलेगा तो वो बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा दे विल भी आल्सो गेट मोटिवेटेड उनको भी उन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलेगा उनको भी वो फंड्स ईजिली ट्रांसफ़र हो जाएंगे यानी रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे रिड्यूस हो गए और जो पूरा लिबरलाइज एटमोस्फियर था उनको उन्होंने प्रमोट कर दिया विद द गट्स का एग्रीमेंट तो ये काफ़ी अच्छे चेंजेस आ गए विद द गट्स की एग्रीमेंट ओके okay? तो ये फर्स्ट एक छोटा सा पैराग्राफ आपको लिखना है रिगार्डिंग वॉट इज गट्स बस थोड़े में लिखना है देन सेकेंड हम पैराग्राफ लिखेंगे ऑब्लिगेशन अंडर गट्स कि गट्स के अंदर क्या क्या ऑब्लिगेशंस थे। तो हम लिमिटेड ऑब्लिकेशन्स लेते हैं जैसे फर्स्ट फर्स्ट हमने क्या कहा एम ट्रीटमेंट देखो वही आया एम एफ एन ट्रीटमेंट यानी मोस्ट फेवरेट नेशन का ट्रीटमेंट ये इंपॉर्टेंट हर एक मेंबर कंट्री को याद रखना कि हर एक को हमें सेम ट्रीटमेंट देना है. कोई भी डिफरेंशियड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ये डब्ल्यू टी ओ का फर्स्ट रिक्वायरमेंट था कि सेम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना है डोमेस्टिक सर्विसेज एज वेल एज एब्रॉड की सर्विसेज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल टू खास करके क्योंकि आर्टिकल टू में ये निगोसिएशन के समय बताया गया कि एक्सप्लेन दैट सेम बेनिफिट एंड ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू ऑल द ट्रेडिंग मेंबर कंट्रीज सभी जो ट्रेडिंग मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा एवरी कंट्री वॉज अलाउड टू आस्क फॉर सम एग्जाम्शन इफ वांट्स अगर उन्हें कुछ एग्जाम्शंस चाहिए तो अगर वो चाहते हैं तो दे कैन टेक इट वो ले सकते हैं अच्छा सम लिस्टेड एग्जाम्शंस सम कंट्रीज फॉर लिमिटेड टाइम ओनली जो उन्होंने लिस्टेड एग्जाम्शन दिए थे तो उन लिस्टेड एग्जाम्पन्न के लिए भी कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत कम है उनके पास फंड्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो उनको चेंज होने के लिए दे रिक्वायर सम टाइम उनके लिए अगर उनको कुछ एग्जामेशन चाहिए प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन है तो सबको सेम लेवल पे बढ़ाना है लेकिन स्पीड ऑफ़ ग्रोथ पेस ऑफ़ ग्रोथ सबका सेम तो नहीं होगा बट नेचुरल हर एक के लेवल में एक्सपांशन में हर एक का एक अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है लेकिन इट इज़ एसेंशियल दैट वी हैव टू सपोर्ट द डेवलपिंग एंड लेस डेवलप कंट्रीज इसके लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इसके लिए अगर कुछ कंट्रीज चाहती हैं एट सम एरिया सम एग्जाम्शन उन्हें वो देना है अच्छा लिस्टेड एग्जामेशन जो थे उनके लिए भी उनको लिमिटेड टाइम दिया गया और जितने रेस्ट ऑफ बाकी बचे हुए एग्जाम्शंस थे उनको भी डेवलप कंट्रीज ने कहा कि हम 2004 तक यानी लगभग आने वाले 10 ईयर्स तक ये सब एग्जामेशन धीरे 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 करके हम रेड्यूस कर देंगे यानी कम कर देंगे तो इस तरह से उन्होंने मोस्ट फेवरेट नेशन का प्रिंसिपल जो था वो फॉलो करने की कोशिश की कि हर एक के साथ इक्वली ट्रीट करना है ओके okay? so, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना ये था फर्स्ट रिक्वायरमेंट सेकंड है वही हमारी रिक्वायरमेंट ट्रांसपेरेंसी यानी हर मेंबर जो है वो हर कंट्री के साथ बाइंड है यानी हर प्रोविजन जो भी आप प्रोविजंस जो आप एग्रीमेंट में ला रहे हो वो क्लियरली दूसरों के साथ निगोशिएट करो बात करो और उसी के अकॉर्डिंगली आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो लेट्स सी ट्रांसपेरेंसी में क्या है हर मेंबर कंट्रीज को पब्लिश करना है ऑल द मेजर्स ऑफ जनरल एप्लीकेशंस और उसके साथ साथ उन्हें प्रोवाइड करना है ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कोई भी क्योंकि इससे क्या होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली होगा आपका कंट्रोल आपका सुपरविजन हर चीज को मॉनिटर करना इजी हो जाएगा तो ना आपको तकलीफ हो ना सामने वाली कंट्री को तकलीफ हो तो वो ये सब कंफ्यूजन को हमें रिमूव करना है रिड्यूस करना है एंड फॉर द इजी ट्रेड एंड फॉर द स्मूदर ट्रेड और हमें ये ट्रेड ऐसा नहीं है फॉर फ्यू टाइम करना है फॉर अ लॉन्गर एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ट्रांसपेरेंसी शुड बी मेनटेन हमें मेनटेन करनी है इसके लिए ईच एंड एवरी मेम्बर कंट्री दे हैव टू पब्लिश ऑल द मेजर्स ऑफ जनरल एप्लीकेशन और उसके साथ साथ उन्हें प्रोवाइड करना है ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो भी आपको इंफॉर्मेशन वो सर्विसेस से रिलेटेड हैं वो आप डिस्कलोज करेंगे विथ द अदर मेम्बर कंट्रीज थर्ड है मार्केट असिस अब ये जो मार्केट असेज है ये भी गट्स एग्रीमेंट के अंदर लाया गया क्योंकि कुछ मेंबर कंट्रीज़ को इसकी भी रिक्वायरमेंट थी क्योंकि अच्छे मार्केट्स उन्हें प्रोवाइड करना है अच्छे प्लेटफॉर्म्स उन्हें देने हैं अच्छा ग्रोथ उन्हें देना है उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ानी है उनकी प्रोडक्शन लेवल बढ़ानी है उनके कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ाना है ताकि उनके देश में पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट रड्यूस हो तो जब ये बदलाव लाना होगा चेंजेस लाना होगा तो मार्केट से रिलेटेड जो भी उन्हें सपोर्ट चाहिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए जो उनके मैनेजमेंट में बदलाव चाहिए तो दैट मार्केट असिस्ट शुड बी प्रोवाइडेड टू देम तो स्पेशली इट इज नेगोशिएटेड कमिटमेंट इन सम सिलेक्टेड एरियाज एंड इट इज क्लियरली स्टेटेड इन द डब्ल्यू का एग्रीमेंट और उस एग्रीमेंट में वो क्लियरली बताया गया था कि किस तरह का मार्केट असिज ऑल डिफरेंट अमूनिटीज फैसिलिटीज किस तरह से हम उनको प्रोवाइड करेंगे तो ये था पूरे ऑब्लिगेशन अंडर गड्स जो इन शॉर्ट आपको बताना है ओके बच्चों नाउ थर्ड आपको बताना है इम्पैक्ट ऑफ गड्स ऑन डेवलपिंग कंट्री जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें सर्विसेज को ब्रॉड अंडर निगोसिएशन लाया हमने डिफरेंट डिफरेंट मेंबर कंट्रीज के साथ सर्विसेज के लिए एग्रीमेंट किया तो इसका इफ़ेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज पे क्या आया अब जब हम किसी भी एग्रीमेंट में जाते हैं तो इम्पैक्ट हमेशा दो कैटेगरी में होता है एवरी कॉइन हैज़ टू साइड पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा तो सिमिलरली इस गट्स एग्रीमेंट की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया और नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया तो पहले देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया बहुत इजी है पॉइंट्स में मैंने लिखा हुआ है और उसी तरह से पॉइंट्स में इजीली मैंने अपने नोट्स पे भी आपको लिख के दिया ताकि लर्न करना बहुत ईजी हो जाए समझ लिया एक बार नोट्स को रीड कर लिया बहुत इजीली आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे और पॉइंट्स होता है ना तो पॉइंट्स में लर्न करना एक और इजी टास्क आपके लिए हो जाएगा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है अब पहला पहला है इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ट्रांसपोर्ट की क्वालिटी हो बैंकिंग की जो सर्विसेज हैं कम्युनिकेशन की सर्विसेज़ हैं हेल्थ की जो सर्विसेज हैं एजुकेशन सेक्टर की सर्विसेज हैं इन सब सर्विसेज की जो क्वालिटी है we know that quality के matter में developed countries are much much ahead of the developing countries अब जब guts agreement हो गई हर मेंबर कंट्रीज ने अपनी को, जो टेक्नोलॉजी थी वो ट्रांसफ़र कर दी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को तो वो क्वालिटी हमारे भी इकोनॉमी में आ गई तो इससे क्या हो जाता है competition बढ़ जाती है बच्चों हमारा डोमेस्टिक लेवल पे कंपटीशन काफ़ी अच्छी हो जाती है प्राइवेट सेक्टर वो काफ़ी इन्वॉल्व हो जाता है फॉरेन लेवल पे हमारी कंपटीशन बढ़ जाती है यानी हर सेक्टर में कंपटीशन बढ़ेगा और जब कंपटीशन बढ़ता है तो ओवरऑल इफेक्ट हमारी इकोनॉमी को बढ़ता है क्योंकि इससे हमारी इकनॉमी में क्वालिटी सर्विसेस ये बढ़ने लगती हैं तो सबसे पहला इफ़ेक्ट ये हुआ कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट आया काफ़ी चेंजेस काफ़ी बदलाव इसमें हमको दिखने लगे सेकेंड हुआ इंक्रीज़ इन द एफिशेंसी लोगों के काम करने का स्टाइल बदलने लगा मेथड्स बदलने लगे लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव की तरफ आने लगे प्रोडक्टिविटी वो बढ़ने लगी देन इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने लगा और प्लस कंज्यूमर का ओवरऑल वेलफेयर उनके चॉइसेस उनके प्रेफरेंसेस उनकी इनकम सब बढ़ने लगी तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाई दिया गट्स एग्रीमेंट की वजह से थर्ड था इंक्रीज इन ट्रैवल एंड टूरिज्म बाय द प्रोग्रेसिव पॉलिसी अब इस पॉलिसी की वजह से क्योंकि उन्होंने ट्रैवल और टूरिज़म को काफ़ी सपोर्ट किया तो हर कोई चाहता है कि हम वर्ल्ड के हर एक कंट्री का जो उनकी ब्यूटीज़ हैं उनके कल्चर जो है उनको हम ऑब्ज़र्व करें उन्हें देखें हर कोई चाहता है और जब इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस को उन्होंने रिड्यूस कर दिया तो ट्रैवल एंड टूरिज्म को काफ़ी सपोर्ट मिला अच्छा ना सिर्फ़ हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग वहाँ गए लेकिन फॉरेनर्स भी तो इधर आने लगे क्योंकि जब इस तरह के सर्विस मार्केट को काफ़ी सपोर्ट मिला सर्विस सेक्टर को काफ़ी सपोर्ट मिला तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चेंज हो गया रोड सेक्टर में कहें वहाँ बदलाव आया एयरपोर्ट्स हम लोग कहें वो भी फॉरेन स्ट्रेटेजी जैसे बनने लगे या रेलवेज में कहें वैसी स्ट्रेटेजी फॉलो होने लगी बैंकिंग सेक्टर्स कहें होटल मैनेजमेंट कहें सो मेनी चेंजेस वर ब्रॉट इन द डेवलपिंग इकनॉमी तो हर एक सेक्टर में जब बदलाव आया तो फॉरेनर्स वो भी यहाँ पे आने लगे क्योंकि वो भी पसंद करने लगे क्योंकि वही क्लीननेस वही नीटनेस वही क्वालिटी वही इफ़िशंसी उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी मिलने लगी तो दे विल आल्सो प्रेफर टू विजिट इन द इंडिया यानी वो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रेफर करने लगे तो ट्रैवल एंड टूरिज्म में तो आपको मालूम है इंडिया इज़ आल्सो वन ऑफ द वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन फ़ॉर द फॉरन कंट्रीज तो यहाँ से भी हमको फॉरन करेंसी अर्न करने का काफ़ी अच्छा मौका मिला दैन फोर्थ हमें बेनिफिट मिला इंक्रीज द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और जिसकी वजह से हमारी फॉरन एक्सचेंज वो काफ़ी बढ़ गया जिससे इम्प्रूव हो गया हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिचुएशन अब देखो सर्विस में जब बदलाव आया इंफ्रास्ट्रक्चर में जब चेंज आया हमने देखा कॉमन रेलवे से हम मेट्रो रेलवे सिस्टम में गए बुलेट ट्रेन सिस्टम में गए एयरपोर्ट्स में काफ़ी चेंजेस बदलाव आने लगे या बैंकिंग सेक्टर्स में हमने देखा कि ई e कॉमर्स ने काफ़ी रोल जो था वो बढ़ा जो काफ़ी जो है वो बढ़ा दिया यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने लगा कि हमारी इकोनॉमी नॉट ओनली हमारी इकनॉमी से रिलेटेड रही लेकिन पूरी वर्ल्ड इकनॉमी से रिलेटेड लग याने पूरा वर्ल्ड एक स्मॉल मार्केट की तरह रिस्पॉन्ड होने लगा क्योंकि हर चीज के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है ई कॉमर्स अवेलेबल है अब इससे क्या होगा हमारा बिजनेस हमारे ट्रेडिंग एक्टिविटीज और बढ़ेंगी तो ये पूरा जो बेनिफिट था वो बिकॉज ऑफ दिस गट्स एग्रीमेंट की वजह से मिला अच्छा नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें क्योंकि पॉजिटिव इम्पैक्ट तो बहुत अच्छे मिले लेकिन हर चीज़ के कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव इम्पेक्ट्स भी आते हैं तो अगर हम बात करें तो ये जो गट्स एग्रीमेंट था हमने कहा बेस्ट क्वालिटी बहुत ज़्यादा कैपिटल अबेंडेंट किसके पास था डेवलप कंट्रीज़ के पास उन्होंने हमको दिया तो बट नेचुरल उनको बेनिफिट हमसे ज़्यादा मिला तो डेवलप कंट्रीज़ को तो ज़्यादा बेनिफिट मिला ही मिला लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ ने पे किया इनिशियली वी पेड इट तो हम लोग जब बदलाव आता है तो इनिशियली हम देखें इट इज़ ऑलवेज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज उनको क्योंकि पे करना पड़ता है हमने बोरो ज़्यादा कर लिया फंड्स हमने कैपिटल इनफ्लो ले ली अब जब कैपिटल बोरो कर लिया तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या हम लोग देखें कि एक्सटर्नल डेप्ट उसका प्रेशर बढ़ गया या कभी कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिचुएशन डेफिसिट भी इसकी वजह से हो जाता है तो जनरली जब हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं बच्चों तो फर्स्ट इट इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सेकेंड मोर बेनिफिट्स किसको मिला डेवलप कंट्रीज़ को मिला थर्ड अगर हम कहें तो डेवलपिंग कंट्रीज की यहाँ कैपिटल इनफ्लो बढ़ने की वजह से एक्सटर्नल डेप्ट का प्रेशर बढ़ने लगा ओके okay बच्चों तो ये था नेगेटिव इम्पैक्ट देन लास्ट पार्ट जो हमें बताना है दैट इज रीसेंट डेवलपमेंट यानी गट्स एग्रीमेंट की वजह से व्हाट वर द रीसेंट चेंजेस ब्रॉट इन द डेवलपिंग कंट्रीज क्या क्या बदलाव हमने देखा अब जब हम रीसेंट चेंजेस की बात हमने देखा तो बदलाव तो काफ़ी अच्छे है हमारे इकनॉमी में आए क्योंकि हाँ इस पर्टिकुलर गट्स एग्रीमेंट की वजह से हमारे देश में इक्वालिटी बढ़ा कैपिटल का इनफ्लो बढ़ा प्रोडक्टिविटी बढ़ी प्रोडक्शन बढ़ा इनकम बढ़ा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो ओवरऑल ग्रोथ तो हमारी इकोनॉमी में बढ़ा लेकिन स्टिल देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन अवर इकोनॉमी ड्यू टू गट्स एग्रीमेंट अगर हम चाहें तो और इस निगोसिएशन के अंदर वी विल ट्राई टू इंक्रीज अवर मोर एंड मोर सर्विसेज हम और इसको ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हैं तो रिसेंट डेवलपमेंट में क्या है ड्यू टू गट्स एग्रीमेंट डेवलपिंग कंट्रीज रिसिव्ड मोर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट क्योंकि हमको टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा मिला स्टिल देयर आर मोर स्कोप अभी भी हमारे पास बहुत स्कोप है फॉर न्यू एंड इम्प्रूवड कमेंटमेंट्स हम और ज़्यादा सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं विद द न्यू निगोसिएशन विद द न्यू मेंबर्स हम कर सकते हैं और ज़्यादा एम्पल स्कोप इज़ अवेलेबल विद द डेवलपिंग इकोनॉमी अच्छा लेकिन एक एग्जांपल्स हम लोग बहुत सालों से देखते आए हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी हम लोग अपना वो स्टैंड जो है वो लेते आए हैं हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉरन कंट्रीज़ के साथ बहुत ही हेल्दी रिलेशन जो है हम मैंटेन करें काफ़ी अच्छा प्रोग्रेसिव ट्रेड जो है वो हम इम्प्रूव कर पाए अच्छा तो इंडिया स्टैंड इन द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द डब्ल्यू टी ओ दो हज़ार सत्रह में अक्टूबर में दो हज़ार सत्रह में एक बहुत ही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई उस कॉन्फ्रेंस में हमारे इंडिया ने ये एफर्ट्स लिया कि किस तरह से हम सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ को हम प्रोवाइड कर सकते हैं तो दिस इज़ द वन ऑफ द एग्जाम्पल के इंडिया स्टैंड इन द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ डब्ल्यू जो कंडक्ट किया गया इन अक्टूबर 2017 और उसका मेन पर्पस क्या था टू प्रमोट द प्रपोजल ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं बच्चों टी ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज यानी ट्रेड को हम और कितना स्मूथ कर सकते हैं और कितनी सर्विसेज हम इजीली अफोर्डेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड कर सकते हैं ये कोशिश हमारे इंडिया ने डब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे की अच्छा इसमें निगोसिएशन जो किए गए यानी जो भी हमने पूरी कोशिश की एफर्ट्स की उसमें हमने क्या बताने की कोशिश की व्हाट वी हैव ट्राइड टू स्पीक हमने निगोसिएशन के अंदर क्या डिस्कस किया दैट इज द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स कि हम ई e कॉमर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे देखो ये ई e कॉमर्स था तभी अगर हमने जब देखा था कि स्पेशली जब 19 में 2019 में मैन कोविड का प्रॉब्लम वाज़ फेस्ड बाय द इंटायर वर्ल्ड हमने देखा लॉकडाउन था फिर भी हमारी इकोनॉमी रुकी नहीं वर्ल्ड इकोनॉमी सर्वाइव कर पाई बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स कॉमर्स e की वजह से ही आपने देखा बहुत से लोगों ने दे है फ्रॉम होम यानी कम्युनिकेशन की सर्विसेज बैंकिंग की सर्विसेज आपको गुड्स चाहिए तो वो भी आपने देखा डायरेक्टली आपको घर पे सर्विसेज मिले तो ये सब चीजें हमने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से किया एक कॉमर्स e को सपोर्ट मिला इलेक्ट्रॉनिकली सपोर्ट मिला बिकॉज ऑफ दीज सर्विसेज और पूरा वर्ल्ड उसका बेनिफिट उठा पाया तो इसी के लिए हमारे इंडिया ने ये निगोसिएशन किया और सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया इस ई कॉमर्स को कि हमारी इकोनॉमी कैशलेस इकोनॉमी बन जाए हम ईजिली जो हम डिफरेंट ऐप्स के थ्रू हम ईजिली मनी को पे कर पाए ताकि हमको चाहे हम लोग कैश यूज़ करते हैं लेकिन कुछ फेजेस ऐसे आए कि इस ई कॉमर्स ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया नॉट ओनली टू अस बट टू एंटायर वर्ल्ड अच्छा प्लस इससे क्या हो जाएगा इजी मोमेंट ऑफ ऑल द स्किल्ड वर्कर यानी जितने भी टैलेंटेड स्किल्ड वर्कर्स हैं दे विल बी गिवन द मोर एंड मोर सपोर्ट तो ये पूरा बेनिफिट किसका है बिकॉज ऑफ गट्स एग्रीमेंट और रिसेंट टाइम में तो हम देख रहे हैं इसका है स्कोप इसका फंक्शन इसका वर्किंग इट इज गो ऑन इंक्रीजिंग तो ये है पूरा गट्स का एग्रीमेंट जो इन शॉर्ट आपको आता है अब टी वाई में क्वेश्चन कैसे होता है आपको लिखना ऐसे क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द एग्रीमेंट आपको दिया जाता है नंबर वन ट्रिप नंबर टू ट्रिम नंबर थ्री गट्स अब तीनों में से जो आपको पसंद आते हैं कोई भी दो एग्रीमेंट आप लिखो फाइव फाइव मार्क्स का दस मार्क्स का एंटायर क्वेश्चन अब उसके लिए थोड़ा सा फर्स्ट पैराग्राफ गट्स क्या है वो हमने लिखा देन उसकी ऑब्लिगेशन क्या है थ्री पॉइंट्स में लिखा एक तो मोस्ट फेवरेट नेशन का ट्रीटमेंट हर एक को देना है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है और मार्केट का एसेस भी आपको प्रोवाइड करना है देन इम्पैक्ट ऑफ गट्स डेवलपिंग कंट्रीज पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है पॉजिटिव पॉइंट्स में है नेगेटिव भी पॉइंट्स में जल्दी याद हो जाएगा आपको बच्चों और रिसेंट डेवलपमेंट का एक छोटा सा पैराग्राफ इन शॉर्ट में आपको इस तरह से बताना ओके बच्चों सो आई होप सो कि आपको इजीली ये समझ में आया इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर विथ योर मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड इफ यू वांट माय हैंड रिटन नोट्स इजी नोट्स द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स थैंक यू